हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में क्या लिखा है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। तो देखो, इसका आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक। देखो, क्लास नंबर ये 30 है, तो इससे पहले 29 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उन्हें अटेंड कर लेना। देखो, आज का जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया हुआ है, पर पूरा उस तरीके का नहीं है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर खास इस क्वेश्चन में। बाकी देखो, आप ये पजल की क्लास चाहो तो ये अटेंड कर सकते हो। देखो ये है, देखो इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा। सबसे पहले सिंबल देखते हैं, सिंबल है कितने इसके अंदर। देखो, एक सिंबल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चार सिंबल है। पर अभी हम और काउंट करेंगे। देखो, कहीं पांच तो नहीं होगा इसके अंदर। ये भी काउंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखो, चार सिंबल है। देखो, इसका मैंने लॉजिक बताया था। एग्जामिनर क्या करता है, देखो सबसे पहले क्या करता है वो इसके अंदर, कि आप वर्ड देखो। देखो, वर्ड मेरा देख रखा है, ये वाला दे रखा है, ये और ये। तो देखो, ये किससे, एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हो सकता है एस से कोई दूसरा हो, उसका भी दे रखा हो। देखो, एस से ये स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, पर इसमें देखोगे इसमें एस में नहीं है कहीं पर। इसमें ऐसा है तो देखो, इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि चारों आपके इसके अंदर देखो रिपीट हुए हैं। देखो, हैश यहाँ रिपीट हुआ है, एट द रेट यहाँ पर रिपीट हुआ है, देखो परसेंटेज यहाँ हुआ है, एट द रेट यहाँ हुआ है, डॉलर। तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए था, एस से स्टार्ट होना चाहिए था। इधर तो है पर इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये लॉजिक फेल होता है। अब देखो, एंड किससे हो रहा है, अगला देखते हैं हम। एंड से, जी से एंड हो रहा है, तो वो जी कहीं है पर एंड हो रहा है। देखो, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन में देखो, इधर भी कोई ना कोई जी से होना चाहिए, एक होना चाहिए यार जी से, और जी है कहीं है, देखो ये रहा जी से। सेकंड देखो, के से, के से एंड यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कहीं के से एंड है ये रहा। और यहाँ पर देखोगे, एक मिनट, ये रहा। अगला क्या है, एल, एल देखोगे, देखो ये एल ये वाला है, एल ये वाला है, एल ये वाला, मतलब सब में एंड वाले मिल गए। तो अभी हम बता नहीं सकते कौन सा, पर इतना पता है कोई लेटर आपका वर्ड जी से एंड होगा, मतलब कि, और एक होगा के से, ठीक है, एक होगा एल से, एक होगा एम से। तो इनके क्या कहते हैं, एम दे रखा है, एम से मैं भूल गया, हाँ एम ये रहा, सारे चेक करने, एम के ये रहा, ये रहा। तो इस तरीके से दे रखा है, पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता, हो सकता है ये आगे पीछे हो। आप देखो, मैं क्या करता हूँ, सिंबल तो मुझे मिल गए कि जो एंड हो रहा है ना वर्ड, उसके हिसाब से इसने दिए हैं। तो देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं नंबर देखता हूँ आगे। अब नंबर ही बचा है, देखो नंबर बचा और लेटर। तो देखो, नंबर को मैं ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा 22 दे रखा है, 18, 12, ये देखो इधर शायद मिसप्रिंट है, इसको हटा देना, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो देखो, सारे नंबर ना 1 से लेकर 26 के बीच में, मैंने बताया हर क्लास में, जब भी आपके 1 से 26 के बीच में हो, तो उसमें क्या करो, हो सकता है 22 का इसने क्या करा हो, प्लेस वैल्यू, मतलब 22 आपका किसी में आ रहा, तो 22 पे क्या आता है आपको पता होना चाहिए। 22 पे मेरा आता है बी, वी फॉर विक्ट्री वाला। देखो, विक्ट्री कहीं है इसके अंदर, वी नहीं है, तो अगेन क्या, देखो वी तो कहीं आ नहीं रहा, हो सकता है वी का इसने अपोजिट ले लिया हो। वी का अपोजिट आपको पता होगा, वी का अपोजिट मेरा ई होता है। देखो, ई तो मिल जाएगा, इसमें भी ई है और इसमें ई नहीं है, इसमें इसमें ई। अगला देखता हूँ, एट, एट किस पे आता है, एच पे आता है, एच का अपोजिट एस होता है, एस कहीं है, हाँ है, एस इसमें भी है। और देखो, इनको छोड़ो, अब टेन, टेन किस में आता है, टेन मेरा आता है जे, जे का अपोजिट क्या आता है, क्यू, क्यू कहीं है, देखो क्यू कहीं नहीं है, तो ये अपोजिट वाला खेल खत्म हो गया, ठीक है। ये क्यू वाला तो कहीं है ना, क्यू वर्ड है नहीं इसके अंदर। तो देखो, इसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है, शायद मैंने नहीं करवाया इस तरीके का। आप क्या करो, इसमें फिर काउंटिंग करो, ठीक है, लेटर का काउंट करो कितने हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 5 ही, एक मिनट, गलत हो रहा है थोड़ा, 1 2 3 4 है इसमें, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 है। देखो इसके अंदर, देखो आप, पता चल रहा होगा आपको, 11 का 22 हो गया, 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, 6 का, तो मतलब इसके सामने ही दे रखे, मतलब जो इसने लेटर, मतलब नंबर दिए ना, जो काउंटिंग ऑफ लेटर है, मतलब कि वर्ल्ड में, उसका डबल कर दो। जैसे कि इसमें देखो, इसमें देखो न्यूज़ रूम है, इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 16 है कहीं है, तो इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात आती है किस पर, लेटर पे। देखो, लेटर भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो ये वाला इसी का है ना, इसी से ही बनेगा,
ये तो पता चल गया। अब टी इसमें कहीं है, देखो टी यहाँ पर आ रहा है, ये वाला इससे बनेगा, क्यू इसमें कहीं नहीं आ रहा। तो फिर इसका अगेन अपोजिट देख लो, क्यू का अपोजिट मैंने अभी बताया था, क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता, तो जे तो है नहीं, तो इसमें ये वाला नहीं है। देखो अब इसके नियरेस्ट देखो, तो टी के नियरेस्ट कौन सा होता है, एस टी यू, एस होता है और यू होता है। देखो इसके अंदर एस तो आ रहा है पर यू कहीं नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी इसी को ईजिली मिल गया। जो लेटर वर्ड है, वर्ड में फर्स्ट ऐड करोगे, एक ऐड करके लिखोगे नेक्स्ट लेटर लिख लिया है। एस का अपोजिट क्या होता है, टी। पी का क्या होता है, क्यू। ए का देखो बी आ गया, पी का देखो क्यू आ गया। आप देखो आगे देख सकते हैं, सी का देखो यहाँ पर डी आ जाएगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं, यहाँ पर आगे पीछे दे रखे हैं। देखो सी का डी आ गया, बाकी देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 12, यही है। आर का होता है एस, एस रहा है कहीं, देखो ये रहा, आगे पीछे देखो पहली वाली लाइन में नहीं थे मगर इधर है। और सी का देखो डी आता है, देखो डी रहा डी। और एन का एम, एन एन एम एन ओ है, ओ ये रहा। और देखो टी का क्या आना चाहिए, एस, एस कहीं है, देखो ये टी का है कहीं एस, इसमें तो मिस प्रिंट है, यही वाला होगा। एस का है टी, ये रहा। यू देखो यू का है वी, और एम का देखो एम का है हो जाएगा एन, एन ये वाला है। तो साथ इस तरीके से चेक करना है, पी का देखो पी क्यू टी ई यू वी ई एफ, तो देखो क्या लॉजिक मिला इसका, लॉजिक काफ़ी अच्छा था। देखो इसमें नंबर का काफ़ी अच्छा लॉजिक था। सिंबल देखो, सिंबल है ना, देखो सिंबल मेरे को पता चल गया। देखो अब देखो ये जी से एंड हो रहा है ना, तो इसका यही है, और देखो जी से एंड हो रहा है कोई, देखो जी से ये वाला एंड हो रहा है, तो इसका देखो ये वाला होगा 16 8 है ना ये वाला। तो अब मेरे को सिंबल देखो, सिंबल भी मिल गए यहाँ पर। देखो ये इसका था, ये इसका, ये इसका, ये इसका, पहली लाइन से तो मेरे को ये पता चला। देखो अगर जी से मेरा एंड हो रहा है, यहाँ से यही तो पता चला था। देखो इसमें 11 है, 11 का अभी तो 22 हुआ, यहाँ 4 का 8 हुआ, यहाँ 5 का 10 हुआ, 6 का 12, तो सिंबल मिल गए। जी से एंड है तो ये वाला सिंबल यूज़ करना, ठीक है। और अगर वर्ड आपका के से एंड है तो परसेंटेज आएगा, ठीक है। और हमारा एल से है, एल से एंड होगा तो क्या आएगा, डॉलर आएगा। और एम से एंड है तो ये आ जाएगा मेरा एट द रेट। तो ये मेरे को सिंबल भी मिल गए, देखो पहले से सिंबल मिल गए। और सिंबल के बाद क्या था, देखो लेटर जो नंबर मिला, काउंटिंग ऑफ लेटर इन वर्ड इंटू टू, तो ये लिख लेना। और जो लेटर लिया है, जो लेटर वो बड़ा देखो अच्छा था, क्या कह रहा था, फर्स्ट है लेटर है जो वर्ल्ड का, उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब उसका नेक्स्ट ले लिया। एस का होता है, एस का होता है टी, तो इस तरीके से ले लेना। तो देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब क्या करना है, अगर इसका PDF चाहिए, अंडरलाइन करा है, टेलीग्राम चैनल का नेम है, ज्वाइन कर लेना, सारी PDF मिल जाएंगी यहाँ पर, जो भी क्लास करवाता हूँ। ये देखो जो सर्कल कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल का नेम है। क्या करना, अगर वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, तो अब हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं। आप अगर ये 30 क्लास भी कर लेते हो तो मेंस में इसके बाहर नहीं आएगा, बाकी मैं और भी क्लासेस की अभी करवाऊंगा, तो यहीं एंड करेंगे अभी। जो इसकी 31 नंबर क्लास है आगे, कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें मिलते हैं।